नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस रोजगार के वीडियो में बहुत सारी खबरें हैं और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा जिससे सारी न्यूज आपको पता चल जाए। तो दोस्तों, प्रदेश में 34,73,000 पंजीकृत बेरोजगार हैं। अब ये पंजीकृत बेरोजगार क्या होते हैं? पंजीकृत बेरोजगार ये होते हैं जो रोजगार कार्यालय में जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होता है। तो जब ऐसे बेरोजगार 34,73,000 हैं तो बिना पंजीकृत बेरोजगारों को भी अगर इसमें जोड़ लिया जाए तो ये संख्या कितनी पहुंच जाएगी? यह आंकड़ा सेवा योजन कार्यालय के पोर्टल पर पंजीकरण कराने वालों का है। वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। इसमें भी गौर करने वाली बात है कि 1,63,720 युवा तो तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण के बाद भी बेरोजगार है। सपा MLC वासुदेव यादव के विधान परिषद में बेरोजगारी को लेकर सवाल पूछे। इसी क्रम में श्रम व सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि पंजीकृत बेरोजगारों की सूची में 7,89,776 युवा स्नातक हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि सत्र 2017-18 से इस वर्ष 31 जुलाई तक 3,16,412 लोगों को रोजगार दिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे में 5,196 पदों पर भर्ती होगी और ये परीक्षाएं जो है 15 दिसंबर से शुरू हो रही हैं। इसके लिए RRB निर्धारित करेगा परीक्षा केंद्र। पूर्वोत्तर रेलवे के परीक्षा के संबंध में किन निर्धारण गोरखपुर रेलवे भर्ती बोर्ड करेगा? रेलवे भर्ती बोर्ड से अभ्यर्थियों की संख्या भेजी जाएगी। COVID-19 के नियमों का पालन करते हुए ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। DLED 2018 तीसरे और DLED 2019 के दूसरे सेमेस्टर के 2,53,000 प्रशिक्षु प्रमोट कर दिए गए हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से प्रशिक्षुओं का परिणाम घोषित किया गया। तो DLED 2018 के तीसरे सेमेस्टर के और 2019 के दूसरे सेमेस्टर के कुल 2,53,000 प्रशिक्षुओं को प्रमोट किया गया है। नियुक्ति के लिए CM को पत्र लिखा। 4 साल बाद भी पूरी नहीं हुई असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के 273 पदों की भर्ती। 273 पदों की भर्ती फंसी हुई है। काउंसलिंग के बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा, जबकि मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले ही निर्देश दिए हैं कि किसी भी नई भर्ती के संबंध सभी प्रक्रिया 6 मास में पूरी कर ली जाए और नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इस मामले में अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर नियुक्ति देने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने पत्र में लिखा कि अशासकीय महाविद्यालयों में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के 273 पदों का अंतिम चयन परिणाम 25 जून 2020 को घोषित किया था। CGL 2018 स्किल टेस्ट और 2018 का स्किल टेस्ट जो है 18 और 19 दिसंबर को होगा। तो कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा यानी कि CGL Tier 3 का परिणाम 30 सितंबर को जारी किया गया था। परिणाम की घोषणा के बाद अब Tier 3 परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट 18 एवं 19 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। महिला कांस्टेबल भर्ती में अतिरिक्त अभ्यर्थी बुलाने को कोर्ट में चुनौती दी गई है और ये मामला है कि जब कट ऑफ से अधिक अंक के बावजूद चयन न देने का आरोप जानकारी तलब की गई है। किसी कैंडिडेट को कट ऑफ से अधिक अंक है उसके बाद भी उसको जो है उसके चयन नहीं किया गया है और जबकि बाकी अन्य छात्रों को चयन किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नागरिक पुलिस और PAC में कांस्टेबल भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के वर्ग में पदों के सापेक्ष 2.5 गुना से अधिक अभ्यर्थी बुलाने और बिना वैध जाति प्रमाण पत्र के OBC कोटे के अभ्यर्थियों का चयन करने के मामले में राज्य सरकार तथा पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है। असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कई पद खाली हैं। बिहार स्टेट मिल्क को ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, तो यहाँ पर अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है, मार्केटिंग असिस्टेंट है एवं
प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट है। तो इस तरह के पद हैं और कुल 142 पद यहाँ पर खाली हैं। 51 राजकीय पॉलिटेक्निक और 40 ITI का संचालन निजी क्षेत्र में। योगी कैबिनेट ने फैसला किया है कि PPP मोड पर संचालित होंगे ये राजकीय पॉलिटेक्निक और 40 ITI। 39% सीटों पर राजकीय कोटे से होगा प्रवेश। तो इसमें देखिए पूरी खबर इसमें देख लेते हैं कि 51 राजकीय पॉलिटेक्निक और 40 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को PPP मोड पर निजी क्षेत्र में सहभागिता से संचालित किया जाएगा। पहले चरण में शैक्षिक सत्र 21-22 में 15 राजकीय पॉलिटेक्निक व 16 ITI का संचालन निजी क्षेत्र की सहभागिता से किया जाएगा। इस प्रस्ताव को शुक्रवार को कैबिनेट बाय सर्कुलर लेकर मंजूरी दे दी गई। मानक पर खरे नहीं उतरेंगे तो अर्थदंड उनके ऊपर लगाया जाएगा। संस्थानों के संचालन की गुणवत्ता और उम्मीद के मुताबिक के परिणाम सुनिश्चित करने के लिए कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर तय किए गए हैं। इनके आधार पर समय समय पर निजी संचालकों के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा तथा मानक पूरा नहीं होने पर अर्थदंड लगाया जाएगा। KG-BV शिक्षकों ने फिर किया है प्रदर्शन। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KG-BV एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले शिक्षक राज्य परियोजना निदेशालय के एक आदेश के खिलाफ शुक्रवार को फिर GPO पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस आदेश की आड़ में हजारों शिक्षकों की नौकरी खत्म की जा रही है। इस मुद्दे पर बीते दिन भी शिक्षकों ने प्रदर्शन किया था। GPO पहुंचे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका लेकिन वो नहीं माने। इस पर पुलिस ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों को हिरासत में लेकर इको गार्डन पहुंचा दिया। दोस्तों अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा में मंगल फांट के विकल्प की मांग कर रहे हैं। कंप्यूटर सहायक 2019 भर्ती के अभ्यर्थी हैं जिनको कुर्तिदेव फांट 010 तय किया गया है लेकिन वो मंगल विकल्प की भी बात कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में मंगल फांट को भी शामिल करने या उसका विकल्प देने के लिए आयोग के सचिव जगदीश व परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्रा से मांग की है। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कंप्यूटर सहायक की 13 पदों की भर्ती निकाली थी। उक्त परीक्षा लखनऊ व प्रयागराज में 23 अगस्त को आयोजित की गई थी। 8,595 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। द्वितीय चरण में होने वाले कंप्यूटर आधारित हिंदी टाइप टेस्ट के लिए 151 अभ्यर्थी अबंधित रूप से सफल हुए हैं। और आयोग ने टाइप टेस्ट कुर्तिदेव फांट 010 पर कराने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थी राहुल कपूर का कहना है कि टाइप टेस्ट में हिंदी मंगल फांट को शामिल न करने से आयोग की कार्यप्रणाली संदिग्ध है। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।